कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है। राव साहब के कोई बस की बात नहीं है, राव साहब लोगों को गुमराह करके वोट लेना और कुछ नहीं। राव साहब अगर कुछ करना चाहते थे तो इससे पहले क्यों नहीं कहते थे? मनोहर लाल जी को कैसे बना दिया, फिर को क्यों नहीं मुख्यमंत्री? मनोहर लाल जी को दोबारा बनाया, फिर कोई आवाज नहीं। तीसरी बार नायब सिंह सैनी को बनाया तो कोई आवाज नहीं। सर, जो लोकसभा चुनाव है इसमें भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर और खास तौर से अगर हम नारनौल शहर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है, इस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की स्थिति आपके दिमाग से ठीक नहीं है, हमें ठीक लग रही है। कारण, जिस प्रकार से जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया, बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, महंगाई कितनी ज्यादा है, और सब व्यापार है ना, व्यापारी भी लोग दुखी है। और मेन तो जो केजरीवाल का जो एपिसोड होगा, केजरीवाल को जो अंदर किया, इस वजह से जितना अग्रवाल जो समाज के लोग है ना, ये ज्यादातर कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का रुझान हमें अच्छा लग रहा है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस जो है मजबूत है? कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है। अब आगे देख रहे हैं कि भाई दादरी में 22 तारीख को राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, तो मजबूत हो जाएगी राहुल गांधी, और भी मजबूत हो जाएगी। पहली जो नरेंद्र मोदी जी ने वहां रैली की थी ना 23 तारीख को भयानी, वो इसलिए कैंसिल की कहीं रोड़ा ना हो जाए जाटों में। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की रैली भी भिवानी में की जानी थी और अब जो है उसे महेंद्रगढ़ पाली में उन्होंने तय की है, ताकि यहाँ अहिरवाल क्षेत्र ज्यादा है, वहाँ रोड़ा कम होगा इस वजह। अच्छा, पिछले एक दो दिन पहले देखा गया कि आपने एक ऑडियो जारी किया था, उसमें आपने राव इंद्रजीत सिंह ने जो अटेली विधानसभा में 4 रैलियां ताबड़तोड़ एक ही दिन में कर डाली, उसको लेकर आपने आरोप लगाया कि राव इंद्रजीत सिंह के बस में कुछ भी नहीं है। क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ? राव इंद्रजीत सिंह जी जब भी आते हैं ना, हम उनका बिल्कुल मान सम्मान का विषय रखा है और लोगों ने बहुत अच्छा रखा, लेकिन लोग जब वोट डालते थे ना राव इंद्रजीत सिंह को, वो इसलिए वोट डालते थे उनके कहने से कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको 2 दफे लगातार डालने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बना, नहीं धर्मवीर को कोई वोट नहीं था, वो दीगा नाम से या राव इंद्रजीत के नाम से थे। नहीं, आपने उस ऑडियो में ये भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह अहिर जाति से संबंध रखते हैं, तो अहिर कैंडिडेट 2 फिलियाल जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर उम्मीदवार है, एक जननायक जनता पार्टी से है, दूसरे कांग्रेस से है, और आपने कहा कि जो राव इंद्रजीत सिंह है वो एक जो जाट कम्युनिटी से संबंध रखने वाले धर्मवीर चौधरी के लिए तीसरी बार, वो मैंने इसलिए कहा था जी कि राव इंद्रजीत सिंह जो धर्मवीर जी को बार बार उनको जाकर के उनको सपोर्ट कर लेते हैं, जबकि धर्मवीर जी का जो रिकॉर्ड बना है ना 10 साल में, गाँव में हम जाते हैं तो गाँव में रिपोर्ट मिलती है, कहीं भी इनकी हाजिरी नजर नहीं आती, फिर राव इंद्रजीत सिंह जी फिर भी इनके साथ लगे हुए, तो फिर अहीर जो है ना, दो, एक तो दान सिंह जी खड़े हैं, एक बहादुर जी खड़े हैं, तो फिर इनके खिलाफ भी राव इंद्रजीत सिंह, तो राव इंद्रजीत सिंह जिस प्रकार से, सबसे पहले मेरा ज्यादा मोटा दुख इस बात का हुआ कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने अपनी तरफ लिखवाया अगर मैं मोदी का परिवार हूं, जबकि मैं ये समझता हूं कि राव तुलाराम जी जो देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए शहीद और उन्होंने कुर्बानी दी, क्या मोदी का परिवार उससे मजबूत है क्या? इस बात का मेरे को दुख हुआ, तो इस बात के लिए मैंने वो अपने ऑडियो, मेरे दुख की वजह से ऑडियो मैंने निकाली राव इंद्रजीत के बारे में। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके पुत्र पर भी अभी आरोप लगा, उस पर आप क्या कुछ कहना? देखो, ऐसा है कि किसी पर केस लगने से आरोप सिद्ध नहीं होता, केस उसमें उसकी जमानत हो रही है, सिद्ध जब होगा जब केस का फैसला होगा जी। ये तो लोग आरोप ना जाने में, हमारे पे भी कितने केस लगे हुए और सभी के सब लगभग आरोपी हैं, दोषी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? आरोपी है जब भी तो केस चल रहा है, लेकिन दोषी तो जब करार होगा ना, जब फैसला कोई होगा, ये तो गलत बात है लोगों की, गलत। तो जो कांग्रेस कितनी मजबूत है पूरे लोकसभा क्षेत्र में? कांग्रेस बहुत अच्छे मजबूत है, और हमारे वहां से बिहानी महेंद्रगढ़ बिहानी की तरफ भी मजबूत है, हर जगह है, क्योंकि किसान लोग मेन, जो किसान लोग जो है ना, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर जुलम किया, जैसे पहलवान बेटियों पे जुलम किया, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया, इसलिए किसान लोग बहुत इस बात से परेशान है, इसलिए दान सिंह मजबूत पड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है हम 400 पार जा रहे हैं, कांग्रेस अपनी कोई गिनती नहीं बता पाती, इस पर क्या कुछ कहेंगे?
देखो 400 पार के बारे में तो वो सपने ले रहे हैं, उन्होंने तो पहले भी ये कहा था, हरियाणा के अंदर बोलो 75 पार आई 40, दिल्ली के अंदर बोलो 45 पार आई 8, वहां बंगाल में कहते हैं 200 सीट आएगी आई 77। तो ये तो एक झूठ बोलने की इनकी आदत बनी हुई है। प्रधानमंत्री तो इतने झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक झूठ के ही लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई औरतों के जो कांग्रेस वाले जो मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, आप ये कह रहे हो बेबुनियादी बातें वो करते हैं, बेबुनियादी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।